हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक क्रिएटर हो और आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, जब आप चैनल का नाम सर्च करते हो तो चैनल का नाम आपका सर्च ना हो के किसी और का चैनल सर्च हो रहा है, और ये देख के बहुत ही दुख होता है कि भाई मेहनत मैं कर रहा हूँ बट हमारे नाम से कोई और दूसरा का चैनल दिख रहा है। तो इसके पीछे कुछ कारण होती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कॉमन नेम या फिर अपने नाम से चैनल ओपन कर लेते हैं और 10-20 वीडियो डालने के बाद पता चलता है, अरे भाई अभी तक मेरा चैनल तो सर्च में आ ही नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहला तो आप दोस्तों ये नोट कर लो कि आपको एक यूनिक नेम रखना है अपने चैनल का, और सबसे पहले आप एक चैनल नेम सोच लो जो कि बिल्कुल यूनिक हो। और पहले आप ना हो तो आप ट्राई कर लो यूट्यूब पे कि भाई उस नाम से कहीं कोई चैनल तो नहीं है, और अगर चैनल है तो उस नाम में कुछ अंतर डालो, कुछ नंबर डालो, कुछ स्टार हैच कुछ भी डाल दो। इसके बावजूद यदि ये सब करने के बाद भी यदि आपका चैनल सर्च बार में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है क्या कि आप वाईटी स्टूडियो के जरिए, आप क्रोम के जरिए आपको जाना है वाईटी स्टूडियो के सेटिंग में, और सेटिंग में जाके जैसे कि आप किसी वीडियो का टैग लगाते हो वैसे ही चैनल का भी टैग लगता है। शायद आपने वो टैग नहीं लगाया अब तक, इसके वजह से आपकी चैनल सर्च बार में नहीं आ रही है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने चैनल का टैगलाइन कैसे लगा सकते हो। आपने वीडियो का टैगलाइन तो अब तक सुना है और लगाया है, बट आपको आज मैं बता रहा हूँ कि आप अपने चैनल का टैग नेम कैसे लगा सकते हो, और ये 500 वर्ड में लगा सकते हो। तो आइए जानते हैं कि आप चैनल का टैगलाइन कैसे लगा सकते हो। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो बेल आइकन को भी दबा दो ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और यदि आपको लगे कि कुछ कमियां हैं या फिर कुछ सुधार करनी है हमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको पढ़ के जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो आइए दोस्तों आज हम जानते हैं कि आप अपने चैनल का टैग कैसे लगा सकते हैं और अपने चैनल को सर्च में कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने चैनल पे जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूँ आप लोगों को। ये अपने चैनल पे क्लिक करो और जो आपका चैनल है उसे सेलेक्ट करो, और ऊपर जो गोल बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे आपको चैनल नेम, अपना खुद का चैनल नेम डालना है, जैसा कि मैं ये डाल रहा हूँ, चैनल नेम ही मैंने सिर्फ डाला। इस पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है दोस्तों, तो आपको वहाँ पे चैनल नेम, खुद का चैनल नेम डालना है और सर्च करना है। अगर आपका चैनल नया है तो आपको बहुत नीचे तक भी सर्च करते रहना है, क्योंकि नया चैनल बहुत आसानी से सर्च नहीं आता। ये देखो मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अब आपको आना है, योर चैनल पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पे एडिट चैनल पे क्लिक करना है। ये देख लो एडिट चैनल, जैसे कि ये देखो इस चैनल का नाम भक्ति रखा हुआ है, मैंने आपको वीडियो दिखाने के लिए बनाया हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम एक डाल सकते हो, जैसे अगर बात किया जाए इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर का कैरी मिनाटी, तो आप कैरी मिनाटी हो गया, अमित बडाना जी हो गए, टेक्निकल योगी, मनोज दे, ये सब जो हमारे यूट्यूबर हैं, ये बड़े क्रिएटर हैं, तो इन लोगों का नाम आप यदि गूगल पे जाके भी बोलोगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा। बट आपका नाम नहीं आ रहा है, यानी आपका चैनल नेम यदि नहीं आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो यूनिक आप दोस्तों क्या कर सकते हो, तो यूनिक में आपको एक काम करना है कि आपका जो भी चैनल नेम है उसमें कुछ भी एडिशनल वर्ड जोड़ दो। जैसे यदि आपका, मैं खुद का ही नाम यदि लूँ, मेरा नाम यदि सुनील कुमार है तो मैं इसमें कुछ ना कुछ ऐड करूँगा, सुनील कुमार के बाद मुझे डॉट या फिर 101202203M, इस तरह का कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जैसे आप देखे होंगे लकी पांडे एक चैनल है जिनका लिखा हुआ है लकी पांडे 2M, तो लोग इससे सोचते हैं कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, व्यू है, जो भी है, लोग आपका चैनल पे रुकते भी हैं यही देख के कि हो सकता है बड़ा क्रिएटर हो। तो आपको भी इसी तरह कुछ करना है, स्पेशल करेक्टर का आपको सहारा लेना है अपने चैनल नेम के साथ, और आपको डिस्क्रिप्शन में जाके भी कुछ लिख देना है, दिस चैनल इज क्रिएट फॉर फन या फिर गुड थिंग या कुछ भी आप लिख सकते हो दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हो मैं ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन
नहीं लिखना है, बट इतना जरूर लिखना है कि आपका चैनल का मोटो क्या है, ये सब आपको लिख देना है। तो इस पे आपको अपना चैनल का लोगो और अपना चैनल का थंबनेल वगैरह भी लगा देना, ताकि चैनल का स्टैंडर्ड बना हुआ रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही टेक्निकल टिप्स के लिए दोस्तों। और यदि किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें लिख सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और कोई भी क्वेरी हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।